नमस्ते फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमने जो बात की है, हम अभी वो सॉफ्टवेयर का लाइव वीडियो देखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। ये देखो, ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट कर दिया है, पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर हम आपको पेन ड्राइव में भेजेंगे, वहां से ये सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हो। अब ये देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में हम कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर, ये देखो, ये मास्टर के ऊपर क्लिक कर दिया, उसके अंदर है अकाउंट। तो अकाउंट के अंदर हमने सब टाइप के अकाउंट डाल के देखे। ये देखिए, यहाँ पर है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया और यहाँ पर ये ग्रुप के अंदर हमने डाल दिया एक्सपेंसेस। यहाँ पर ये न्यू दबाकर हम नया कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रुप के अंदर हम एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है, फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब डिटेल हम डाल सकते हैं। फिर से जाके देखते हैं, अकाउंट में चला गया। ये देखो, गोल्ड परचेज, तो गोल्ड एक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर डाल दिया। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि सैलरी हो गया, तो ये सैलरी देखेंगे, ये रहा, तो सैलरी ये इनकम ग्रुप के अंदर आ गया। जैसे इनकम हो रही है तो इनकम हो गया, ये LIC पॉलिसी है तो इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ पर ये देखिए, LIC पॉलिसी जीवन श्री, ये पॉलिसी की पूरी डिटेल यहाँ पर डाल दी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने जो अगले वीडियो में बात की थी कि भाई ये पूरी पॉलिसी का नंबर आ गया, ये पॉलिसी कब मैच्योर हो रही है, भाई 2022 में मैच्योर हो रही है, हमारे पास कितना पैसा आने वाला है, हमने लिख दिया भाई 20 लाख रुपीस ये पॉलिसी के अंदर से हमको आएगा, तो ये हमने अमाउंट डाल दी। यहाँ पे इसका क्वार्टरली प्रीमियम डाल दिया, भाई इसका प्रीमियम कितना होता है, इसका नॉमिनी क्या है, ताकि ये पूरी डिटेल, ये देखो पूरी डिटेल अंदर स्टोर हो गई है, मैंने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से हम पूरे अकाउंट्स की डिटेल डालते हैं। पेट्रोल एक्सपेंस हो गया, बच्चों के स्कूल की फीस हो गई, SIP के अंदर इंस्टॉलमेंट जाते हैं तो वहां उसके लिए भी हमने अकाउंट कर दिया, जिसकी खर्चा नहीं है तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया। तो ये इस तरीके से सब अकाउंट हम क्रिएट करके देंगे आपको, आपको इसके अंदर एंट्री करनी है। अब हम जाते हैं कि भाई एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी, सैलरी आती है उसकी, तो सैलरी आती है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो हम जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर एंट्रीज के अंदर, ये देखो क्विक रिसिप्ट, ये क्विक रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये देखो, जो हम पिछले डेट के अंदर भी जाके एंट्री कर सकते हैं, जैसे हमारी एंट्री अब ये बार समझो कि दूसरी तारीख को सैलरी आई, तो दूसरी तारीख सिलेक्ट कर ली, भाई सीधी बैंक के अंदर आजकल सैलरी डिपॉजिट हो जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया सीधा यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ पर ये अकाउंट सिलेक्ट किया, केतन पटेल सैलरी। तो यहाँ पर ये देखो डिटेल आ गई, भाई मेरी सैलरी 85,000 रुपीज, तो 85,000 रुपीज लिख के ये देखो सिंपल, ये मैंने सेव का बटन दबा दिया, सेव हो गया। तो हम अब जाएंगे यहाँ पर, ये लॉग बुक में जाएंगे, देखेंगे कि भाई केतन पटेल की सैलरी कितनी हो गई है। तो यहाँ पर ये बताएगा कि भाई ये अप्रैल से नवंबर तक टोटल ये देखो 6,80,000 रुपीज की सैलरी हो गई। तो ये सॉफ्टवेयर में डालने से पूरा डिटेल हमको मिलता है। अब हम जाते हैं कि भाई खर्चा हो गया, अब सैलरी तो बैंक में जमा हो गई, भाई अब मुझे खर्चा करना है, कैश खर्चा होगा तो मुझे पैसे विड्रॉ करने हैं, तो मैं यहाँ बैंक एंट्री में चला गया, भाई मैंने 10 तारीख को पैसे विड्रॉ किए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, देखो यहाँ पे डिपॉजिट कैश किया या विड्रॉ किया, उसकी भी डिटेल आ जाती है, भाई मैंने विड्रॉ कर दिया। यहाँ जैसे ही कैश सिलेक्ट करूंगा, मुझे यहाँ पे बता दिया कि भाई मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1,69,500 रुपीज पड़ा हुआ है और कैश में मेरे पास 16,000 रुपीज पड़ा हुआ है, मैं और 5,000 रुपया विड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर रिमार्क में मुझे कुछ लिखना है तो मैं रिमार्क भी लिख सकता हूँ कि भाई मुझे, मैंने ये पैसे किस वजह से विड्रॉ किए। अब मैं, मुझे एक्सपेंस करना है तो मैं एक्सपेंस के लिए यहाँ पर क्विक पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने डेट सिलेक्ट कर ली, एंटर कर दिया, भाई कैश एक्सपेंस कर लिया, एंटर कर दिया, भाई मैंने आज पेट्रोल के लिए एक्सपेंस खरीदा है तो पेट्रोल कर लिया, भाई मैंने 250 रुपीज का पेट्रोल खर्च कर दिया। फिर मैं जाऊंगा, भाई मैंने बच्चों की स्कूल की फीस भर दी है 6,000 रुपया, तो 6,000 रुपया मैंने यहाँ पर डाल दिया सीधे। देखिए कितना इजी है, एकदम इजी, भाई मैंने
ये ग्रोसरी एक्सपेंस भाई, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान ले आया मैं 2200 रुपये का, तो मैंने 2200 रुपये डाल दिया। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मैंने आज 8450 रुपये कैश एक्सपेंस कर दिए हैं। तो ये पूरी डिटेल मैंने डाल दी, देखो सब टाइप के एक्सपेंसेस मैंने डाल दिए। तो अब जाकर के मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर कि भाई जब क्विक पेमेंट में चला गया, भाई मैंने 12 तारीख को चेक दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई किसको, भाई LIC पॉलिसी को दे दिया मैंने। तो ये देखो यहाँ पर लिख के आगे भाई LIC पॉलिसी में अब तक 19,500 रुपीज जमा, चेक नंबर डाल दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2500 रुपया चेक मैंने डाल दिया, कौन से महीने का प्रीमियम है सब डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट की एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। अब जाकर देखते हैं कि भाई ये इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर में एंट्री क्यों करनी है, वो इसलिए करनी है कि ये देखो अब मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो मैं रिपोर्ट में चला गया। रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले मैं जाता हूँ ये ग्रुप लेजर के अंदर, ग्रुप लेजर में चला गया, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा ये देखो ये एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखो मैं महीना भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे पूरा एक महीने का ही देखना है तो मैं एक महीने का ही देख सकता हूँ, अब तक का पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखना है तो मैं पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखूंगा। यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दिया, तो ये देखो ये पूरा रिपोर्ट ओपन हो रहा है और अब भी पूरा रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये रिपोर्ट हो गया, यहाँ पर ये बता रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ये देखो ये हमने अप्रैल महीने में 2500 आया, मई में 1800 आया, 2600, इससे आपको पता चलता है हमने कब ज्यादा कंज्यूम किया या क्यों, कभी कुछ मीटर में गलती हो जाती है इससे पता चलता है। ये 12500 हमने अब तक खर्च कर दिया है, यहाँ पर ये देखो हमने कपड़े के पीछे क्लोथ्स के पीछे अब तक 28,000 रुपीज का खर्च किया है। ये फूड एक्सपेंस आ गया, तो देखो ये फूड एक्सपेंस का पूरा डिटेल आ गया, तो ये पिज्जा पार्टी की थी उस दिन 1782 रुपये का खर्चा हो गया था, ये देखो पूरा डिटेल यहाँ पर, ये ग्रोसरी एक्सपेंस आ गया, हाउस रेंट आ गया, भाई अब तक समझो हम रेंट वाले हाउस में रहते हैं, 15,000 हर महीने पे करते हैं, भाई हमने 1,00,000 रुपया तो हाउस रेंट के पीछे ही हमने दे दिया है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरीके से पूरा एक्सपेंस की डिटेल रहती है। अब जाते हैं हम ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये हमको पूरा ब्यौरा देगा, ये देखो ये मैंने ओके कर दिया और उसके बाद ये मैंने समरी का बटन दबा, जिस दिन तक देखना चाहे हम यहाँ पर ये फ्रॉम डेट टू डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई ये हमारी सैलरी अब तक 680,000 रुपया आई, हमने टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे कर दिया, हमने क्लोथ के पीछे कितना खर्चा किया, ग्रोसरी कितना खर्चा किया है, LIC पॉलिसी या दूसरे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के पीछे कितना खर्चा किया है, SIP के कितने इंस्टॉलमेंट भरते हैं उसके पीछे कितना हमने पेमेंट कर दिया है, ये देखो पूरा डिटेल आ गया। और बैंक के अंदर देखो 680,000 में से 518,000 हमने एक्सपेंस या विड्रॉ कर लिया, मेरे पास अभी 1,62,000 पड़ा है, ये पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई। अब हम जाते हैं कि भाई सब पूरा समराइज रिपोर्ट देखना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, देखो भाई 680,000 पूरा सैलरी हुआ था उसके अंदर से ये मैंने इतना खर्चा कर दिया, तो 400,000 रुपया मैंने नेट कमाई की ऐसा बता सकते हैं। अब ये 400,000 का क्या किया हमने, तो वो हमको यहाँ पर ये पता चलता है बैलेंस शीट के अंदर, देखो ये ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये बताता है कि 4,00,000 रुपीज ये जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर से 1,75,000 रुपीज एसेट्स है। मतलब कि भाई यहाँ पर डबल क्लिक करने से पता चलता है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके अंदर हमारा मतलब 2-3 बैंक अकाउंट है, तो सबका समरी होके आता है भैया बैंक के अंदर मेरे पास 1,62,000 पड़ा है, कैश में मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, तो ये पूरी डिटेल आ गई। और मैंने इन्वेस्टमेंट के पीछे 2,32,000 रुपीज का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, भाई मैंने LIC में इतना डाला, SIP में इतना डाला, मैंने गोल्ड 95,000 रुपीज का परचेस कर दिया, ये पूरी डिटेल हम रख सकते हैं। खुफिया किसी को ना बताने वाली सपोज कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई गोल्ड परचेस है, तो मैंने गोल्ड कहाँ पे रखा हुआ है क्या है उसकी भी पूरी डिटेल हम ये सॉफ्टवेयर में ही रख सकते हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया, भाई इसके अंदर मेरा लॉकर नंबर ये है, किसी को मालूम नहीं है सिर्फ मुझे मालूम है, नॉमिनी कौन है, गोल्ड ये लॉकर के अंदर पड़ा हुआ है, चेकबुक मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, सब पूरा डिटेल हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सॉफ्टवेयर चालू होते ही पासवर्ड पूछता है, हर कोई ये डिटेल को जान नहीं पाएगा, लेकिन आप किसी को भी नॉमिनेट करते हो तो उसको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो हमारे लिए भी काम का है, मतलब ये पूरा मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरीके से
ये पूरा पर्सनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम लगता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो आप हमको कॉल करो और ये सॉफ्टवेयर आज ही परचेस करो। आपको इससे बहुत सारा फायदा होगा और आपकी सब क्वेरीज हम सॉल्व करके देंगे। थैंक यू वेरी मच।